Without further waiting, let's start it. So I think we all have heard about Uber. So what makes Uber so rich? So I was talking about, humne do options diye hain. See that the option is number of availability of cabs over the road, or and the other is the service, the Uber can use. Dono mein se kis reason ki wajah se Uber has got the multi-billion platform? Can anyone help me? Aap log text bhi kar sakte hain. My direct question. दोनों में से कौन सा ऑप्शन है विच द ऊबर गेट्स द मल्टी बिलियन प्लेटफॉर्म? सो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ सर्विस. बिकॉज़ ऑफ सर्विस. सर्विस? यस सर. ओके ओके. नाउ लेट्स लेट्स लेट मी रिवील. सो फॉर मी दोनों ही ऑप्शन नहीं है बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस. इट्स अबाउट द डेटा. हाउ अबाउट द डेटा? Can anyone, I mean, upload, because I gave you two couple of options and then I said that, okay, but you guys picked up the service. So I told about the data. Can anyone help me? Can anyone, let me help you. Basically, if you talk about hum log, Monday to Friday is the weekdays and Saturday, Sunday would be the weekend. Ye sahi hai yahan tak? Yes. So Uber के अंदर, Uber के हार्ट में है एक डेटा साइंस का इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में. बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट वुड बी लाइक कि Uber जो है वो अपनी प्राइसिंग को डायनेमिक प्राइसिंग करता है. डेटा साइंस का जो प्लेटफॉर्म है दैट क्रिएट्स अ डायनेमिक प्राइसिंग. जैसे आपने एयर फेयर के बारे में देखा होगा ना कि जैसे जैसे आप जितने टाइम टेन्योर उसका कम होता जाएगा उसकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी. एम आई राइट? ट्रू? इज इट ट्रू? So basically, the Uber हो, Ola हो, they are working into the similar concept. Dynamic pricing में believe करते हैं. And dynamic pricing के अंदर क्या होता है? It takes care about all the surrounding. जैसे for example, अगर मैंने एक example, it will discuss about कि अगर आप working professionals की बात करें, so Monday morning उन लोगों के लिए एक बहुत peak time होता है, जब सबको office reach out करना होता है. ऑफिस रीच आउट ये उबर अपने डेटा साइंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू व्हाट उबर इंश्योर्स टू थ्री थिंग्स. सबसे पहले वो इंश्योर करता है कि डायनेमिक प्राइसिंग हो. डायनेमिक प्राइसिंग वुड बी हाई बेसिकली पीक टाइम में. तो उबर इज नो न्यू अबाउट कि जो वॉल्यूम है वर्किंग प्रोफेशनल्स का बीट इन मेट्रोज और बीट एनी अदर लोकेशन मंडे मॉर्निंग 9 to 10 इज पीक टाइम. तो सबसे ज्यादा इंक्वायरीज उसे मिलने वाली है. सो देन ही कैन बिल्ड अप द प्लेटफॉर्म इन सच अ वे कि वो डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो पीक प्राइसिंग में चला जाए एंड अकॉर्डिंगली उसकी प्राइसिंग वेरी करती है. अगर आपने देखा होगा कि आफ्टरनून में प्राइसिंग हो सकता है कुछ डिफर करे. लेट नाइट के अंदर अगर एयरपोर्ट से टू एंड फ्रो ट्रेवल करते हैं तो प्राइसिंग बहुत प्रीमियम होता है. अगर पीक टाइम की बात करें तो प्राइसिंग बहुत प्रीमियम होता है. एंड एट द सेम टाइम उबर एंश्योर्स कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है कैब्स की जहां पे जो ट्रैफिक है बेसिकली जिस लोकेशन में ज्योग्राफी पे इट हैज टू बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल द पीपल. मतलब तो उसे क्या दो तीन चीजें मैनेज करनी है. लाइक डायनेमिक प्राइसिंग उसे मैनेज करना है. ही हैज टू मैनेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैब्स और कि जितनी भी इंक्वायरीज आ रही है उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही हैज टू एंश्योर कि एवरीवन शुड गेट द कैब and at the same time basically. So this is how the whole concept of Uber works across the data science. Is tarike se they have built up this particular platform. That's coming to the other part. Now agar hum ye baat kar rahe hain ki data is the oil, how data is enough to grow a business, can anyone help me? सर हम लोग कर सकते हैं या फिर कुछ नई स्ट्रेटजी लगा सकते हैं उसकी मदद से. कैसे की? जैसे कि सर जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि हम लोग टाइम देखते हैं कि किस टाइम पर सबसे ज्यादा पीक होता है मूवमेंट होता है लोगों का. तो हम लोग उनको अगर ज्यादा रिचार्ज करें तो जाना ही है उस टाइम पे. तो हम लोग उस चीज को टारगेट कर सकते हैं डेटा का. या ओके. सो बेसिकली if we talk about is data enough to grow a business, yes. Agar hum digital economy ki baat kare, if we talk about 2021 ya coming future ki baat kare, so the core driver is the data across all the business verticals. Yahan par main kisi particular industry ya specific segment ki baat nahi kar raha hu. If you talk about healthcare, if you talk about telecom, if you talk about IT industry, if you talk about FMCG industry, if you talk about supply chain industry, you take a name of any industry and the core driving factor is the data. Is as simple as boss.
the data is the new oil and data has been driving the revenue. जितना भी रेवेन्यू ड्राइविंग की एक्टिविटीज मतलब हम इसको कैसे इस तरीके से देखते हैं. नाउ यू कैन यू गाइस सी दिस, यू कैन विजुलाइज दिस पर्टिकुलर इमेज. योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. नॉट विजिबल नाउ. इज इट विजिबल? नो नॉट येट. नो सर, नॉट अभी स्क्रीन विजिबल. स्टिल इट्स नॉट विजिबल. नो सर, नॉट एट ऑल. नो. Is it now? Yeah. Yes, sir. Yes. ठीक है. So यहाँ पर what I was trying to convey, हम ज़्यादा example उसके अंदर ज़्यादा figure out नहीं करेंगे. If you talk about any industry, healthcare की बात करें, transport की बात करें, finance की बात करें, banking की बात करें, manufacturing, e-commerce, every industry has been driven by the data. अगर हम e-commerce की बात करें तो I think you all heard about या हम लोग किसी न किसी through हमने transaction करा है, be it like Flipkart, Myntra, Amazon, Jabong. I'm sure you guys can relate. Is it so? You guys can? Yes, sir. So e-commerce industry is purely data-driven industry. Agar, if we talk about banking, so banking ops, they do the risk analysis on credit card and fraud detection. Like, aapne dekha hoga ki jitni baar you can say a limit has been defined. Depending on to your credit score, it could be your score. Bank ne aapki ek credit limit ko define kiya hua hai. On the basis of that particular score, aapki credit limit nahi hai. It's been purely done by the data-driven activities. Kaafi sare tools aur kaafi sare statistics perform hote hain. And the bank get to know about a particular limit ki har individual ki kitni limit hai, kitna loan sanction kiya ja sakta hai. I'm sure you can relate with this particular thing. Now if you talk about transport, we all have seen ki the new era is all about self-driving cars. Am I making sense? आप लोग relate कर सकते हैं? New era is all about self-driving cars. So basically, it's core application of data science. So उसके अंदर you can so this is how you can relate with the industry. अगर इसको और थोड़ा सा brief इसको हम briefing करें थोड़ी सी. So इस तरीके से आप लोग इसको ultimately खुद से relate कर सकते हैं as a buyer experience. If you talk about मार्केटिंग, अगर हम मार्केटिंग डोमेन की बात करें तो जितना भी क्रॉस सेलिंग है, अपसेलिंग है, और इफ एनी इंडस्ट्री इज प्रेडिक्टिंग लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, दैट कैन बी ओनली डन विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें सो ट्विटर डू द सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ द यूजर. और डिजिटल मार्केटिंग आपने गूगल एडवर्ड्स के बारे में सुना होगा. इट इज वन ऑफ द प्रीमियम प्लेटफॉर्म टू जनरेट लीड्स फॉर द बिजनेस. तो जो गूगल एडवर्ड्स इज बीन प्योरली ड्रिवन विद द डेटा कॉन्सेप्ट. नाउ अगर हम ऑटोमेशन या ट्रेवल इंडस्ट्री की बात करें, यस सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर देयर एंड यू विल हैव ड्रोन्स आर आल्सो कमिंग इनटू द पिक्चर. सो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज आर ऑटोमेशन ऑफ ड्रोन्स इज बीन हैपनिंग अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. सो दैट कम्स अंडर दिस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. नाउ कमिंग टू जैसे कि मैंने आपको कहा ट्रेवल के अंदर द डायनेमिक प्राइसिंग ऑफ द एयर फेयर वुड बी वन एप्लीकेशन दैट कैन बी ड्रिवन थ्रू डेटा साइंस. या अगर हम बैंक की बात करें, दिस इज हाउ अगर आप उसको रिलेट कर सकते हैं सेम विद दिस वन. नाउ मैं आपको एक डेटा साइंस जो है व्हाट आई एम सेइंग कि वी ऑल आर डेटा साइंटिस्ट. मतलब मेरा ऐसा मानना है दैट वी ऑल आर डेटा साइंटिस्ट. अगर व्हाटएवर द रिसर्च वी हैव डन इट सो फार, हम सब के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट पहले से ही है. मैं आपको एनालॉजी समझाने की कोशिश करूंगा एंड इस एनालॉजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इसके अंदर डेटा साइंस की जितनी भी प्रोसेस है उनको भी कवर करूंगा. इफ यू गोइंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट तो आपको ये लाइफ साइकिल जो है डेटा साइंस की वो आप अचीव करेंगे. इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. नाउ वी हैव टेकन अ सिनेरियो. बेसिकली सिनेरियो इज समथिंग कि हमें बेसिकली फॉर एग्जांपल हम एज एन इंडिविजुअल मैं अपनी बात कर लेता हूं. लाइक मुझे आई हैव टू रीच आउट एसडी बंसल एंड आई स्टेड विजयनगर. सो बेसिकली मेरी एक डेस्टिनेशन, दिस इज डेस्टिनेशन बीच द सुशीला देवी बंसल एंड डेस्टिनेशन इज द विजयनगर. सो मैं यहाँ से जब ट्रेवल करूंगा तो बेसिकली मेरे पास डिफरेंट रूट्स के ऑप्शन अवेलेबल है. मैं बाईपास होके भी आ सकता हूँ और मैं ए बी रोड डायरेक्टली जो हमारी सिटी की रोड है आई कैन पिक दैट पर्टिकुलर थिंग. है ना, दिस इज व्हाट द सिनेरियो आई पिक्ड अप. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? चूज द फास्टेस्ट रूट वर्क. बेसिकली मुझे एक फास्टेस्ट रूट को पिक करना है जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी
एसडी कॉलेज पहुंच जाऊं. सो यहां पे पहला स्टेप क्या था, डिफाइन प्रॉब्लम. डेटा साइंस के अंदर सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन, मैंने एक स्टेटमेंट को पिक करा. नाउ वी द अदर वन इज द डेटा कलेक्शन, थर्ड इज द डेटा प्रोसेसिंग, देन विल गो विद द एक्सप्लोरिंग एंड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन. नाउ आई विल बी रिलेटिंग ऑल दिस थिंग स्टेप. सो वी हैव डिफाइंड द प्रॉब्लम. नाउ कमिंग टू द अदर स्टेप, अब बेसिकली अगर मैं जाऊं तो आई विल बी सीइंग कि मुझे एक रूट पे ट्रैफिक ज्यादा दिख रहा है, एक रूट पे ट्रैफिक कम दिख रहा है. सो देन आई विल बी डूइंग द एनालिसिस कि मुझे ट्रैफिक रूट ए पिक करना है या रूट बी पिक करना है बेसिकली. सो देन उसके बेसिस पे मुझे एक डिसीजन लेना है. सो मैं ये देखूंगा कि रूट ट्रैफिक कहां सबसे ज्यादा कम है, ट्रैफिक कहां सबसे ज्यादा है, प्लस मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी चेक करूंगा उसके अंदर कि मेरे पास एक्सपीरियंस में मान लीजिए अगर मैं सिटी से ट्रेवल कर रहा होता सो प्रॉब्ली यहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है पीक टाइम पे, और अगर मैंने बाईपास ट्रेवल किया होता तो शायद वहां पे जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो कम होता. बेसिकली मैं अपने पास्ट एनालिसिस से वो भी डिस्कस करूंगा. नाउ अदर सेकंड स्टेप ऑफ डेटा साइंस इज डेटा कलेक्शन. अब मैं करूंगा ऑब्जर्व द सराउंडिंग एंड कलेक्ट द डेटा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा. बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट ए जो है दिस इज व्हाट द डिस्टेंस, रूट बी का ये डिस्टेंस है, स्पीड ये है, हमारा डे जो है मंडे टाइम हमने पीक आवर्स पिक करा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट. इस तरीके से मैंने क्या करा, अलग अलग फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर लिया. इन फॉर्म ऑफ एज अ डेटा साइंटिस्ट मैंने इस डेटा को कलेक्ट कर लिया, अलग अलग जो डेटा के वेरिएबल्स हैं अलग अलग तरीके से उनको कवर अप करके, एंड देन वी put up in a sheet या in a structured format basically data processing. अब data processing हमने as a data scientist data को तो collect कर लिया ना, the other step is data processing. basically data processing में हम लोग क्या करने वाले हैं, data processing में हम जितना भी irrelevant data है, जितना भी unnecessary data है उसको हम बाहर करेंगे अपने data collection में से. अब यहाँ पर हमारा अननेसेसरी डेटा क्या हो सकता है, like मैंने जब रूट ए और रूट बी देखा सो मैंने जो बेसिक नंबर ऑफ व्हीकल्स के साथ साथ मैंने एक्सपो को क्या क्या पिक करा, कितने टू व्हीलर ट्रेवल कर रहे हैं, कितना उनका रन उनका मॉडल क्या है फोर व्हीलर्स का, और मान लीजिए कि उसमें क्या कलर है फोर व्हीलर्स का. तो मैंने ये अननेसेसरी डेटा भी लिया, कोई रिलेवेंसी नहीं है मेरी प्रोसेस के साथ. मेरी रिलेवेंसी किसके साथ है कि जो वॉल्यूम है ट्रैफिक बेसिकली फोर व्हीलर्स का वो कितना है रूट ए रूट बी पर. अब उसमें टू व्हीलर्स का अननेसेसरी डेटा है, हम उसको क्या करेंगे, विल वाइप आउट दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द डेटा सेट. हम इस डेटा सेट को कर देंगे सो दैट अब हमारे पास क्या आ जाएगा, विल हैव द फाइनल डेटा सेट विच इज प्रोसेस डेटा सेट विच इज स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट जिसके ऊपर हम अपनी अब एल्गोरिथम्स को मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप करेंगे. सिमिलरली नाउ कमिंग टू द अदर, नाउ अब हमारी अगली स्टेज क्या है, एक्सप्लोरिंग एंड एनालिसिस. बेसिकली स्टेप है, दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज. हमने पहले डेटा को प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को डिफाइन करा, फिर हमने एक्चुअली ऑल द डेटास को कलेक्ट करा, देन हमने उसको प्रोसेस करा. प्रोसेस करके हमने उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में फिगर आउट करा जिसके ऊपर मशीन लर्निंग की मॉडल्स को अप्लाई करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज द एक्सप्लोरिंग एनालिसिस, दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस. ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर हम इसके अंदर एनालिसिस जो हिडन इनसाइट्स हैं डेटा के अंदर, जो कुछ पर्टिकुलर अगर एक पैटर्न है पर्टिकुलर डेटा के अंदर, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि व्हाट वाज द थिंग्स दैट गॉट मिस्ड आउट, या इसमें से हमें क्या निकाल के लाना है. बेसिकली यहाँ पर अब हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखेंगे. जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पता करा कि रूट के अंदर मुझे एक घंटा 20 मिनट टाइम लगेगा और रूट बी के अंदर 2 आवर्स लगेंगे बेसिकली, और ट्रैफिक जो है वो रूट ए पे 55 मिनट्स का है एंड रूट बी पे 0 मिनट्स का है. सो इसके बेसिस पे मैंने दोनों कंडीशन ऑब्जर्व कर लिया एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मैंने एक्चुअल इनसाइट्स जो हिडन इनसाइट्स थे या जो विजुलाइज करना उसको विजुलाइज कर लिया, आई केम अप टू अ बेसिकली कंक्लूजन. अब इसके ऊपर देन आई हैव टू टेक अ कॉल. Now final stage would be the solution. So now अगर आप देखेंगे so हमने इसमें जो machine learning algorithms में feed करा and then we'll get the output कि root A हमारा 2 hours 15 minutes ले रहा है and root B is 2 hours. So basically obviously root B is I have to choose a root B. क्योंकि मैं 2 घंटे लगेंगे रूट बी के थ्रू पहुंचने में, मतलब अगर हमने इन रिलेवेंस अगर समझने की कोशिश करी तो अगर मैं बाईपास करूँ अगर वो भले ही रूट का जो वॉल्यूम है या डिस्टेंस है वो ज्यादा है लेकिन ट्रैफिक कम है एंड आई कैन कवर अप इन मिनिमम पीरियड, सो आई पिक दिस बाईपास. मैं सिटी के रूट्स को या एवी रूट से करूंगा. सो दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज द डेटा साइंस जर्नी.
एक सिंपल इस तरीके से दिस इज व्हाट यू हैव टू एज अ डेटा साइंटिस्ट यू हैव टू परफॉर्म ऑल दिस स्टेप्स एंड द प्रोसीजर्स व्हेनेवर यू विल बी अब्सॉर्बिंग विद एनी ऑफ द फर्म. ये एक डेटा साइंस एनालॉजी आप अपने आप साथ साथ रिलेट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू लेट्स अबाउट, अगर हम इतनी एक एनालॉजी की बात, व्हाट इज द डेफिनेशन बेसिकली डेटा साइंस है, हाउ टू डिफाइन डेटा साइंस. नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, अब यहां पर आई वुड नीडिंग योर हेल्प. काफी सारा कंफ्यूजन होता है ना, काफी सारी चीजें एक साथ चलती है. मशीन लर्निंग की भी बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, डीप लर्निंग की भी बात होती है, डेटा साइंस की बात होती है. तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार व्हाट एक्चुअली मशीन लर्निंग भी चल रहा है, डीप लर्निंग भी चल रहा है. आई एम श्योर कैन यू गाइस रिलेट, आप लोग रिलेट कर सकते हैं. सो कैन एनीवन हेल्प मी विद अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हम एआई की बात करते हैं. कैन एनीवन हेल्प मी विद डेफिनेशन ऑफ एआई, आपके हिसाब से एआई की डेफिनेशन क्या है. मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा, इट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कितनी आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है. देन आई विल गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली आप उसको मेमोराइज कर पाए कि हाँ यार दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट. कोई डेफिनेशंस की हम बात नहीं करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड सिंपल एग्जीक्यूशन. सो आई वॉन्ट एवरी वन एआई एमएल एंड डीप लर्निंग, एनी वन टेक अ चांस, कोई मुझे मदद करेगा. सर इन एआई आई थिंक इन एआई इफ वी हैव प्रीवियस डेटा तो वी ट्रेन द कंप्यूटर देन मेक इट कैपेबल टू टेक डिसीजन इन सिंपल टर्म्स. मैं कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा, आई वांट सिंपल एक्सप्लेनेशन. समझ क्या रहा, अंडरस्टैंडिंग क्या है एआई से बेसिकली, क्या है हमारे पास में कोई पुराना डेटा है और हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक कोई डिसीजन ले सके खुद से, तो हम लोग उसे किसी एक एल्गोरिथम के थ्रू ट्रेन करते हैं, फिर वो खुद उस पुराने डेटा के बेसिस पे नए डिसीजन ले सकता है. ठीक है, चलिए. एनीवन एल्स और कोई who wants to participate? Sir, if I have to explain the artificial intelligence in few words, I would say it is like ki we have humans have intelligence. So providing that intelligence artificially to the computer. We can call it artificial intelligence to provide human-like intelligence to the computer. That is artificial intelligence. Sure. Chalo. That's great. Now let me, without further delaying, let me come this way. हम लोग Google Assistant use करते हैं. I'm sure we all are using Google Assistant voice commands के through. Is it? We all are using. Yes, sir. है ना? So this is what? This is artificial intelligence. If you talk about a robot, एक robot जो है, you have seen the Samsung and so many brands have built up the robots, who is actually mimicking the intelligence driven by human. Human के intelligence को mimic करना. Artificial intelligence is a technique which allows machines to mimic human behavior. मतलब basically human की intelligence को mimic कर लेना या imitate कर लेना. Actually, मतलब खुद ही decision making की structure में चले जाना. We call it as an artificial intelligence. Can you guys understand? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? Basically, हम हमारी जो ब्रेन की इंटेलिजेंस है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं मशीन्स के अंदर कि मशीन्स विल टेक अ डिसीजन सिमिलर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. मतलब उसको एक्सप्लिसिटली कमांड देना ही ना पड़े, वो खुद एज पर द ह्यूमन इंटेलिजेंस वो सिस्टम और प्रोसेस को मिमिक कर ले मशीन के अंदर, एंड मशीन विल बी इन अ पोजिशन वो खुद ही डिसीजन मेकिंग में चली जाए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन. सो वी कॉल इट एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब बेसिकली मशीन को एज एन एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर देना ह्यूमन्स का. तो बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करें या गूगल असिस्टेंट्स की बात करें, सिरी की बात करें, अमेज़न एलेक्सा की बात करें, ये सब क्या है? बेसिकली दीज आर द रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ कमिंग टू द मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बेसिकली मशीन लर्निंग का काम क्या होता है? मशीन लर्निंग का काम होता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टूल्स को अप्लाई करके एक जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है वो पास करना एआई को. इट इज सबसेट ऑफ एआई. एंड मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है? इट इज मशीन लर्निंग क्या करता है? स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स को यूज करके वो जो इंटेलिजेंस है डिसीजन लेने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को वो ट्रांसफर करना इज द प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग. एम आई मेकिंग सेंस?
एआई तो हमारी फाइनल एप्लीकेशन है बेसिकली, कोई भी हम जब आउटपुट देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन तो वो एआई हो जाएगा, और एआई को, एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग का काम क्या होता है, मशीन लर्निंग का काम होता है कि स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स को, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू एनेबल मशीन टू इंप्रूव एक्सपीरियंस। बेसिकली जो कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग की वो बढ़ाना, आउट एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाना, वो ट्रांसफर करना इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग। एंड अगर डीप लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। सो बेसिकली डीप लर्निंग क्या हो गया, डीप लर्निंग इज अगर उसको मैं रॉ टर्म्स में समझाऊं तो बेसिकली हमारे एक ब्रेन है, ह्यूमन के पास ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर काफी सारे न्यूरॉन्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल पास करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को, एंड उसके बाद हमारी कोई भी बॉडी जो एक्शन परफॉर्म करती है। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर, है ना। सो डीप लर्निंग इज द सेम थिंग, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड इट वर्क्स ऑन टू द न्यूरल नेटवर्क्स। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरल नेटवर्क, जो ह्यूमन ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है उसके पैरेलली उसको डिजाइन किया गया है। एंड उसी तरीके से हमारे न्यूरल नेटवर्क्स जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं या सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं डिसीजन एंड टू एंड। सो सिमिलरली डीप लर्निंग वर्क्स इनटू द सेम थिंग। इस तरीके से नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एज द फाइनल आउटपुट जो कोई भी हम मशीन के थ्रू अचीव करने को, एक बिजनेस डिसीजन मेकिंग करने की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, एंड डीप लर्निंग इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग जो एक एक न्यूरल नेटवर्क्स की तरह स्ट्रक्चर है जिसका जो एक्चुअल कन्वे करता है, मतलब मशीन लर्निंग को पता है कि क्या डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करनी है। एंड डेटा साइंस इज अ ब्रॉड टर्म, डेटा साइंस यूज एवरीथिंग। अगर आप डेटा साइंस देखेंगे तो डेटा साइंस इज अ अम्ब्रेला टर्म। डेटा साइंस एआई भी यूज कर रहा है, एमएल भी यूज कर रहा है, डीप लर्निंग यूज कर रहा है, एंड यहां पर एक और चीज है विच इज डेटा एनालिटिक्स, वो भी यूज करेगा टू परफॉर्म ऑपरेशंस। एम आई मेकिंग सेंस? आप लोग समझ पा रहे हैं उसको? Guys, can I get some input from you? आप लोग relate कर पा रहे हैं किसी तरीके से? Yes, sir. Okay. So now coming to the next part. What is data science? Data science is a blend of various tools. मतलब data science is a broad term, umbrella term. जो tools use करेगा, algorithms भी use करेगा, machine learning principles भी use करेगा to achieve any business goals. और basically इसका final objective क्या होता है? To hidden patterns from the raw data. जो अभी हमने ऊपर देखा. Like to figure out the patterns which data carrying and do the prediction, जो अभी हमारे कुछ colleagues ने discuss करा था, prediction करना that what is the accuracy level. अगर मैं इसको और terms में देखूं कि हम सबकी mobile पे एक weather forecasting की applications होती होगी सबके smartphone पर? Yes sir. Yes sir. आप जब भी उसको रिफ्रेश करते होंगे तो वो करंट आपको वेदर की स्टैट्स बताता होगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर क्या है, और वो फोरकास्ट भी करेगा अगले 7 दिन के अंदर किस तरीके का वेदर होने वाला है। ओके, सो दिस इज व्हाट द कोर एप्लीकेशन ऑफ एआई, और ये बेसिकली अचीव हो रहा है डेटा साइंस थ्रू। ओके, लेट्स कमिंग टू द अदर थिंग, डेटा एनालिसिस। नाउ ये जो चीज है नहीं होता है, एंड इट हैज बीन रिसेंटली बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हुआ है इन द मार्केट। व्हाट इज डेटा एनालिसिस, या डेटा एनालिटिक्स के नाम से हम जाते हैं, या डेटा बिजनेस एनालिस्ट के नाम से एमबीएज या मास्टर्स स्टूडेंट जानते हैं। सो गाइस, एनीवन हेल्प मी, व्हाट इज डेटा एनालिसिस? गाइस कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वांट एन ऑडियंस। यस सर, डेटा एनालिटिक्स इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, सो दैट हमें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन उससे मिल सके, दैट मींस इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल हो। Great. What you said is totally right. The core objective of data analytics is the same thing. Basically, हमारे पास जो भी raw data, जैसे अगर आप देखेंगे, डेटा साइंस को एक बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। विल स्प्लिट डेटा साइंस इन डेटा एंड साइंस। ठीक है, डेटा क्या है बेसिकली, इंटरनेट पर डेटा क्या है? कोई एनीवन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, इंटरनेट पर डेटा का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, यू गाइस आर यूजिंग एवरीडे। जो भी हम
डेटा तरह तरह से डेटा जनरेट कर रहे हैं, लाइक वी शेयर इमेजेस ऑन व्हाट्सएप, वी शेयर, वी पोस्ट ऑन फेसबुक, वी लाइक थिंग्स ऑन यूट्यूब, वी वॉच वीडियोस. All this data is being collected by these large companies to perform operations on that, to understand the behavior of their customers, or I would say their customer, or I think you got it. Yeah, I think that what you said is totally right. अब अगर हम data science को split करें, so data is data जो है actually internet पे unstructured है. टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा है हमारे पास, म्यूजिक ऑडियो ऑडियो के फॉर्म में हमारे पास डेटा है, वीडियो हमारे पास डेटा है, एंड इमेजेस के फॉर्म में हमारे पास डेटा. दिस इज व्हाट डेटा, यही तो डेटा है बेसिकली, ये अनस्ट्रक्चर्ड है. एंड इफ यू टॉक अबाउट साइंस, तो साइंस को बेसिकली हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लाइक इट्स अबाउट परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस, प्रोसेस और मेथडोलॉजी टू फिगर आउट the results. Science, I hope you guys are all science students. तो साइंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हम किसी भी एक तरीके की एक साइंटिफिकली प्रोसेस या मेथडोलॉजी को परफॉर्म करके उस डेटा से कुछ आउटपुट डिराइव, आउटपुट मतलब कुछ कोई भी हिडन पैटर्न्स को फिगर आउट करना, जैसे कि अभी आपने कहा बेसिकली. सो दिस इज वॉट, अगर आप उसको नटशेल में देखेंगे तो दिस इज वॉट इज अबाउट डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स. Now coming to this, this is the basically उससे conclusion drive करना. अब basically इस conclusion को drive करने का जो objective है वो एक branch की तरफ, एक एक company की तरफ जाता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारे आप देखते हैं कि अलग अलग product की अलग अलग costings होती हैं. हर एक कंपनी हर प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्टिंग फिक्स करती है. तो वो जो कॉस्ट का एनालिसिस है, इट इज बीन ड्रिवन थ्रू डेटा एनालिटिक्स. या अगर हम देखें कि मार्केट के अंदर जो आपको कॉम्बो ऑफर मिलते हैं, बेसिकली एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट के कॉम्बो ऑफर किया जाता है और उसको बंडल ऑफ करके एक फिक्स प्राइसिंग करी जाती है, डिसाइड करा जाता है कि जैसे अगर हम ब्रेड लेने जा रहे हैं तो जैम का कॉम्बो हो जाएगा या ब्रेड के साथ बटर का कॉम्बो हो जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज सेल आउट होने की बहुत ज्यादा हो जाएगी. आई एम श्योर यू गाइस कैन रिलेट. एंड सिमिलरली अगर आप कोई भी इफ यू गो टू बिग बाजार, इफ यू गो टू एनी शॉपिंग मॉल, यू विल सी कि जो उनकी बेसिकली उनको रखा जाता है वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखा जाता है. सो दैट इज अगेन कम्स फ्रॉम द डेटा एनालिटिक्स. बेसिकली उनकी जो पोजिशनिंग होती है शेल्फ पर वो डेटा एनालिटिक्स के थ्रू ही हो पाती है, बाय अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग. तो जितना भी आप कॉस्टिंग की बात करें, बंडल अप करने की बात करें प्रोडक्ट्स को, एंड या आप इस तरीके की एनालिटिक्स कंपनी यूज करती है फॉर टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग. कोई भी कंपनी डिसीजन मेकिंग क्यों करना चाहती है, टू जनरेट रेवेन्यू. बेसिकली कोई भी कंपनी के ऑपरेट करने का मार्केट में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू और टू जनरेट प्रॉफिट. एंड दिस इज वेयर द डेटा साइंस इज बीन कमिंग इन टू द पिक्चर. Okay, now coming to the other part. This is very important if you see about now business administration and exploited data analysis. मतलब data की के raw data को एक structured data में convert करना, data में convert करके उसके hidden patterns और उसके behavior को figure out करके decision making में जाना for business purpose. ये data analyst या business analyst का role इतना होता है basically. अगर आप देखेंगे तो. And finally, if you talk about data scientist, तो data scientist का role कहाँ पर होता है? Data scientist deal with end-to-end the product and end-to-end machine learning concepts, exploratory data analysis, machine models create करना, machine को train करना, and finally data product मतलब एक product के form में उस चीज को execute करना, be it like Google Assistant, be it like Siri, Amazon Alexa, self-driving ये final product है. So this is what the final role of data scientist. यहाँ पर एक चीज और है जिसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, तो बेसिकली इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस. अगर हम देखें कि जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन द करंट सिनेरियो, इन द करंट एरा जो ऑपरेट कर रही है, वो जितनी भी डिसीजन मेकिंग कर रही है बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू कर रही है. बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस इज इट्स बेसिकली इट्स कि जो उनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट कर रहा है, जो उनके प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करे, जो उनकी बिजनेस डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में एंड टू एंड रोल प्ले करे. बेसिकली अगेन द सेम थिंग, जो डेटा से एक्शनेबल इंसाइट्स को फिगर करे और मैनेजमेंट को ये बता सके कि हमें हमारे प्रोडक्ट की ये प्राइसिंग रखनी है. बहुत लॉ टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. स्टारबक्स कितने लोग अभी ने विजिट करा हुआ है, कितने स्टारबक्स विजिट करें इंदौर में?
यस सर हाउ पीपल हैव विजिटेड स्टारबक्स. कम ऑन फ्रेंड्स बी क्विक. कितने लोग अभी तक स्टारबक्स विजिट कर चुके हैं? वी हैव टू रेज द हैंड और व्हाट? आप टेक्स्ट कर दीजिए या सो दैट आई कुड गेट द अंडरस्टैंडिंग कितने लोग जा चुके हैं. अप ऑन द टेक्स्ट विंडो ना. राइट, जल्दी जल्दी जल्दी. ओके एनीवे चलो. आई एम श्योर. तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली स्टारबक्स इंडिया में जब लॉन्च हुआ था, सो इंडिया में जो लॉन्च हुआ था इट वॉज लॉन्च नाउ 2012 या 2013 के ईयर में हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड इट्स बीन अलायंस विद द टाटा स्टारबक्स. बेसिकली टाटा जो था वो स्टारबक्स को इंडिया में लेके आने वाला पहला प्लेयर था. सो इसकी जो पहली लॉन्चिंग हुई थी वो मुंबई, देन इफ यू टॉक अबाउट बैंगलुरु, इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट इंदौर, तो इंदौर में तकरीबन हम वी आर इन द ईयर ऑफ 2021. सो यू कैन सी द डिफरेंस. 2014 में इंडिया में लॉन्च होने के बाद भी इंदौर में आने के लिए उसे 2021 तक का टाइम फ्रेम उसको कंज्यूम करना पड़ा या उसको इतना टाइम वेट करना पड़ा. एंड दैट हैज बीन ओनली ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस. बेसिकली उसके पीछे का रोल है कि उन्होंने पूरी मार्केट रिसर्च करा, उसको एनालिसिस करा एंड दे रियलाइज कि अभी टाइम नहीं है टायर टू सिटीज में उसको एंटर करने का, डिपेंडिंग ऑन टू सो मेनी फैक्टर्स. नाउ कमिंग टू दिस, को ज्यादा ना बढ़ाते हुए, सो दिस इज वेयर द बिजनेस इंटेलिजेंस कम इन पिक्चर. अगर आपको कस्टमर बिहेवियर्स को एनालाइज करना है, उनके बाइंग पैटर्न्स को, सेल्स के ट्रेंड्स को करना है, या आपको बेसिकली एक कंपनी की सेल्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ट्रैक करना है, फोरकास्ट करना है, बजटिंग फाइनेंशियल को, तो एवरीथिंग इफ यू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. मतलब आपने गूगल एनालिटिक्स देखा होगा. गूगल एनालिटिक्स इज अ टूल बेसिकली जो ऑडिटिंग टूल है फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और फॉर वेबसाइट. दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. अगर आपको किसी भी, इफ यू टॉक अबाउट, आपने कुछ लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स पे काम करा है. इज देयर एनीवन हु इज वर्कड आउट ऑन द गूगल एडवर्ड्स या फेसबुक एड्स के ऊपर काम करा है उन्होंने? फेसबुक एड्स के ऊपर? एनीवे चलिए कोई बात नहीं. सो अगर आपने काम करा, अगर आप काम करेंगे, यू विल सी अ डैशबोर्ड. उस डैशबोर्ड्स के अंदर एंड टू एंड एनालिटिक्स को इंटरप्रेट करके फाइनल डिसीजन मेकिंग की जाती है. एंड उसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है, इंस्टाग्राम जितने भी उनके डैशबोर्ड्स अगर आप देखें, दिस आर द रियल एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. अगर मार्केट के रेफरेंस पे बात करें, तो अगर स्टारबक्स की बात करें, तो जितना भी कस्टमर एंटाइजिंग ऑफर्स होते हैं वो बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म या डेटा एनालिटिक्स के बेस पे ही स्टारबक्स ले पाता है. ट्विटर की बात करें, तो जो कैरेक्टर डबलिंग का फीचर है ट्विटर का, उन्होंने बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करके लिया हुआ है. अगर हम ऊबर की बात करें, तो एक बैलेंस्ड फेयर सेटिंग, जैसे कि अभी हमने टाइम प्लानिंग की बात करी थी, तो उसको बैलेंस करने में थ्रू आउट द डे जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स का यूज होता है. या अगर हम Amazon की बात करें, तो जितना भी पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस जो Amazon प्लेटफॉर्म देते हैं, इट्स बीन ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स. यहां मैं आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा. बिजनेस इंटेलिजेंस इज अगेन स्लैश करके आप डेटा लिख सकते हैं उसके अंदर. अगर हम डेटा सोर्सेस की बात करें, तो जो डेटा साइंस है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा में काम करता है, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो कोर स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही काम करता है. मतलब एंड टू एंड डेटा होना चाहिए उस टूल को, देन ओनली ही विल बी इन अ पोजीशन टू कंक्लूड एनीथिंग. अगर हम अप्रोच की बात करें, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करता है और विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करता है. डेटा साइंस की बात करें, तो इट वर्क्स एंड टू एंड, from programming to statistics to visualization to machine model training and everything. और अगर हम focus की बात करें, तो business intelligence analytics का focus majorly क्या होता है? past और present data के ऊपर रहता है कि past का क्या historic event था और present हम उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं. लेकिन अगर हम data science की बात करें, तो जैसे कि अभी हमने कहा prediction, प्रेजेंट हमारा क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी क्या है, जो भी हम प्रेडिक्ट करने वाले इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, प्राइसिंग, कस्टमर फ्लो, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, तो वो कितना एक्यूरेट लेवल पे जा रहा है. और अगर हम टूल्स की बात करें, तो बिजनेस इंटेलिजेंस में पावर बीआई आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्लिक व्यू करना पड़ेगा, टैबलू इज देयर. और अगर हम डेटा साइंस की बात करें, तो एचटू और रैपिड माइनर, बिग एमएल,
गूगल टीचेबल की आप बात कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ल्यूप की आप बात कर सकते हो, या एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकते हो पाइथन की पे मशीन लर्निंग मॉडल्स को. सो दिस इज व्हाट ओवरऑल पिक्चर. नाउ कमिंग टू द मशीन लर्निंग, यार हमने इतनी सारी बात करे, एआई को अचीव किया जा सकता है मशीन लर्निंग के थ्रू. और मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग हम तीन तरीके से ही अचीव कर सकते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रिइंफोर्समेंट लर्निंग. गाइस आप लोगों को एक क्लैरिटी है मशीन लर्निंग के बारे में, किस तरीके से ये तीनों एल्गोरिथम्स क्लियर हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, थोड़ा-थोड़ा सा. चलिए मैं आपको बहुत सिंपल एंड इजी एग्जांपल लूंगा, आपको मजा आएगा. सबसे पहले तो मुझे बताइए पीके मूवी कितने लोगों ने देखी, हम लोग एक बहुत छोटे एग्जांपल लेकर के समझेंगे. पीके मूवी कितने लोगों ने देखी है? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन विद दिस थिंग. सुपरवाइज लर्निंग को मैं जल्दी से करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. दैट एक हम लोग लेवल करते हैं, इनपुट और आउटपुट को लेवल किया जाता है, और हमारा पास इनपुट भी डिफाइंड होता है, आउटपुट भी डिफाइंड होता है, और उसके ऊपर हमें ट्रेनिंग डेटा सेट. ट्रेनिंग डेटा सेट मतलब एक सुपरवाइजर के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में एक सुपरवाइजर होता है जो पूरा की पूरा ट्रैक कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो क्या होता है, वो सुपरवाइजर होता है. वो क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा इसका एक रियल टाइम एप्लीकेशन, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक पोलिंग होती है, जो न्यूज चैनल रैंडम पोल्स करते हैं, बेसिकली फोरकास्ट करते हैं कि एज पर द मार्केट रिसर्च एनालिसिस उन ये ऑडियंस है या ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो इस लोकेशन से जीतने वाला है. एंड जब एक्चुअली वो एक मशीन लर्निंग मॉडल पे काम करते हैं जहां पे रॉ डेटा को मार्केट से रिसर्च करके लिया जाता है एंड उनको डिफाइन किया जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है. एंड जब रिजल्ट्स आते हैं तो उस रिजल्ट्स के डेटा को, मतलब वो क्या है हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट जो है, उसको हम मशीन मॉडल्स के अंदर डालते हैं, विल चेक द एक्यूरेसी कि जो हमने प्रेडिक्शन करा था न्यूज एग्जिट ने क्या वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो बेसिकली दिस इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल. अगर हम अनसुपरवाइज्ड की बात करें, सो आपने ये देखा होगा कि बेसिकली पीके मूवी के अंदर जब आमिर खान इंडिया अर्थ पर लैंड करता है तो बेसिकली ही इज न्यू, कुछ नहीं पता उसे, ये नहीं पता कि जेंडर्स क्या होते हैं, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं. सो वो क्या करता है, बेसिकली अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करता है. अलग अलग ऑब्जर्वेशंस कैसे करता है, स्किन के कलर के थ्रू, स्किन थिक है कि नहीं है, मूछे हैं या नहीं है बेसिकली. तो फिजिकल फीचर्स को इवेल्युएट करके वो क्या करता है, क्लस्टर बनाता है. क्लस्टर मतलब एक ग्रुप्स क्रिएट करता है एंड ग्रुप्स को क्रिएट करके वो क्या करता है, वो फीचर्स को देखता है कि अरे यार ये हाइट ज्यादा है, मूछ है बेसिकली, थिक स्किन है, तो वो उसको क्या करेगा, मेल के ग्रुप्स में डाल देगा. फिर उसी तरीके से वो इवेल्युएट करेगा बच्चों की फिजिकल फीचर्स और उनको बच्चों की कैटेगरी में डालेगा और फीमेल को फीमेल की कैटेगरी में. इस तरीके से अनसुपरवाइज्ड वे में मशीन लर्निंग काम करती है और वो फाइनली ओवर द एक्सपीरियंस वो आउटपुट को डिसाइड करता है कि हाँ, और जो डेटा के बेसिस पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिसाइड करता है कि यस ये हमारा पर्टिकुलर, दिस इज द आउटपुट. अगर इस तरीके का डेटा सामने आता है तो ये आदमी रहेगा एंड दिस वुड बी वी कॉल इट एज एन फीमेल. रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो टोटली डिफरेंट पिक्चर है. नाउ अगेन मैं यहाँ पर आपको पीके मूवी से समझाने की कोशिश करूंगा. बेसिकली यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि आमिर खान जो है 50, वो देखा है जब भी उसे 50 का नोट मिलता है तो वो जब उसे देता है तो उसके अगेंस्ट उसे बंडल ऑफ एक गाजर का बंडल मिलता है बेसिकली. सो यहाँ पे क्या होता है, एक एजेंट होता है, एजेंट ने कोई एक्शन परफॉर्म करी एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट में क्या हो गया, उसे या तो रिवॉर्ड मिला, उसे रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. उसने 50 का नोट दिया, 50 का नोट जैसे ही उसने वेंडर को दिया तो वेंडर ने 50 के नोट को रिकॉग्नाइज करा और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने क्या करा, सीधे उसको गाजर का बंडल दे दिया. मतलब दिस इज द आउटपुट परफॉर्म. अब क्या कहता है आमिर खान, वो जगह जगह से जितनी भी महात्मा गांधी की फोटोज है, जितने भी पेपर्स पे, वो सब लाके देना चालू करता है वेंडर को, लेकिन वेंडर उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा. मतलब एनवायरमेंट उस चीज को क्या एक पॉलिसी फॉर्म करता है, पर्टिकुलरली एक ही नोट पे एप्लीकेबल है. मतलब उसने एक पॉलिसी बनाई कि अगर मैं सिर्फ ये नोट दूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा, बाकी सारे पेपर्स देने से मुझे कोई भी आउटपुट या कुछ नहीं मिलता. उसने क्या करा, एक पॉलिसी परफॉर्म करी. सो दिस इज हाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मशीन जो है इस तरीके से अपनी प्रोसेस को डिफाइन करके उसको एड करता है.
नाउ ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गो विद द नेटफ्लिक्स यूज केस. नेटफ्लिक्स इज द लाइव एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. अगर हम देखें कि anyway, I think I'm sure you guys have heard about product recommendation. So product recommendation jo hai basically Netflix use the product recommendation model aur iske andar data analytics ke jitne bhi human ke behavior usko analyze karta hai puri tarike se and then he took a call and jitna bhi uska live streaming hai content wo basically ek pura analysis karke content ka zoner jo hai wo production houses ko deta hai and then production houses will take a call ki hame is content pe webinar एक सीरीज लॉन्च करनी है या नहीं करनी. एंड उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो इतना ज्यादा होता है मशीन लर्निंग मॉडल्स का नेटफ्लिक्स के कि वो एक्चुअली वही कंटेंट देते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को जिसमें 90% चांसेस होते हैं कि ये जो वेब सीरीज है वो हिट हो जाएगी बेसिकली. सो दैट इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी नेटफ्लिक्स हैज अचीव्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग नेटफ्लिक्स इज वेरी हाईली रिकमेंडेड अक्रॉस द वर्ल्ड. डेटा साइंस वर्क कैसे करता है आई थिंक ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. समझाने के बाद लेट मी ज्यादा टाइम ना लेते हुए डेटा साइंटिस्ट दो तरीके से होते हैं. डेटा साइंटिस्ट एक बिजनेस डेटा साइंटिस्ट और प्रोडक्ट डेटा साइंटिस्ट. बिजनेस डेटा साइंटिस्ट जो है वो बिजनेस की प्रॉब्लम पे काम करते हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस की ग्रोथ को डिफाइन करना. और जितने भी प्रोडक्ट डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हैं एआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल असिस्टेंट या सेल्फ ड्राइविंग कार्स. ये एक फाइनल प्रोडक्ट है. सो नाउ कमिंग टू दी आई थिंक लाइव एप्लीकेशन पर भी हमने काफी ज्यादा बात कर ली है. यस दिस इज वॉट समथिंग मैं सिर्फ एक हाईलाइट करना चाह रहा हूँ. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स आपको जिसपे कमांड करनी पड़ेगी. वन इज द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मॉडल. आप जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करें जितने बिजनेस हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन के अंदर है. और दूसरा जो है वो चैटबॉट है विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट. जितना भी अभी कम्युनिकेशन हो रहा है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स थ्रू ऑल ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड जितने भी चैटबॉट्स हैं दीज आर एआई ड्रिवन चैटबॉट्स जो बेसिकली ह्यूमन को मिमिक कर रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू बिल्ड योर स्किल सेट. अगर आप पर्टिकुलरली या अगर वो एप्लीकेशन रॉ में देखें तो इस तरीके से चैटबॉट अगर आप रिलेट कर सके तो आपने काफी सारे देखा होगा कि एचडीएफसी की अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो एचडीएफसी का एक चैटबॉट राइट बॉटम साइड में आपको मिल जाएगा. दोनों बिल्ड करा है. दिस इज एआई ड्रिवन चैटबॉट एंड दिस इज बीन रेप्लिकेटिंग अक्रॉस ऑल दी चाहे आप बुकमाई शो की बात करें चाहे आप रेड बस की बात करें इफ यू टॉक अबाउट आईसीआईसीआई इफ यू टॉक अबाउट भारत गैस बीपीसीएल ऑल द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड या ऑल द बिजनेस प्लेटफॉर्म्स उन्होंने चैटबॉट इंटीग्रेट कर लिया है. The only objective is to give you an understanding कि आपको इस skill set को बहुत strong करना है to get into the data science industry. Okay, आपको बहुत छोटी चीज बताने वाला हूँ. Coming to the pointers कि जो comprehensive learning path की बात कर रही थी तो this is what the comprehensive learning path. आपको कोर स्किल्स डेटा साइंस की एनालाइज यू हैव अपग्रेड टू द कोर स्किल ऑफ डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स एंड अप्लाइड मशीन लर्निंग. And you have to pick out a data set. जो हमने भी बात करी थी बेसिकली आपको एक रॉ डेटा सेट पिकअप करना है नॉट विद द डेटा सेट जो कैगल और गिटहब पे बहुत इजीली अवेलेबल है. जो कैगल और गिटहब पे डेटा अवेलेबल है विच इज रिफाइंड डेटा सेट विच इज ऑलरेडी ए क्लीन डेटा सेट. आपको जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स या एनालिटिक्स परफॉर्म करने वो रॉ डेटा सेट पे यूज करना है. फॉर दैट यू कैन डू दी वेब स्क्रैपिंग थ्रू पाइथन एवरीथिंग. उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा. एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट इन आर टैबलू सेस MS Excel, Jupyter. अगर आप Python की बात कर रहे हैं then Jupyter IDE will come into the picture. आप data analytics की बात कर रहे हैं so then Tableau says MS Excel is the right platform. Then आपको क्या करना पड़ेगा हमने डिस्कस करा वो डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा. ब्रेनस्टॉर्म करके आपको हिडन पैटर्न्स को फिगर आउट करना पड़ेगा. देन उसके बाद आपको क्या करना है एक ऑब्जेक्टिव को डिफाइंड करना है. बेसिकली जब आप अपना अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे तो आपको एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है. बिजनेस ऑब्जेक्टिव जैसे कि मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री है. टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर चर्न रेशियो बहुत कैलकुलेट किया जाता है. चर्न रेशियो मतलब कि किस रेट से जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो प्लेटफॉर्म को स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे प्लेटफॉर्म को. तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हाईलाइट करके अपग्रेड करना पड़ेगा. अगर आप रिटेल इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो रिटेल इंडस्ट्री के अंदर मार्केट एनालिसिस होता है बेसिकली जहां पे आप रिलेवेंसी और एसोसिएशन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं प्रोडक्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बंडल अप किया जाएगा
जाएगा या किस तरीके से आप उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर सकते हैं. तो ये एक तरीके का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिगर आउट करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली यू हैव टू बिल्ड अप मशीन लर्निंग मॉडल, आपको ट्रेन करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू स्टार्ट पब्लिशिंग ऑन टू गिटहब, कैगल, लिंक्डइन एंड मीडियम. सो यहां से यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है. अगर आप डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, आपको क्या ग्रेडेशन करना है, मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये आप देख सकते हैं. नाउ मैं आपको ये एक बेसिकली एक प्रोसेस बता रहा हूँ. यू हैव टू वर्क ऑन टू द पब्लिक डेटा सेट्स, कैसे आप कर सकते हैं, गूगल डेटा सेट्स यूज कर सकते हैं. देन यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, जैसे एनालिटिक्स विद्या हो गया या आपको कैगल के ऊपर काफी सारे कॉम्पिटिशन रन करते हैं, काफी सारे यू हैव टू रियल टाइम पार्टिसिपेट इन द रियल टाइम सिनेरियो एंड बिल्ड अप अ मॉडल एंड देन यू हैव टू पब्लिश अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. बेसिकली आपने कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा था, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको पब्लिश करना पड़ेगा इधर ऑन कैगल, गिटहब, लिंक्डइन हो गया, टू प्रेजेंट योर एक्सपर्टीज टू द प्रोफेशनल्स. एंड फाइनली आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. दिस इज हाउ, ये मैं आपको ज्यादा ना डिस्कस करते हुए मैं डायरेक्टली आपको लूंगा. जो स्किल्स आपको मास्टर करनी 2021 में एज अ डेटा साइंटिस्ट, then you should know about data science toolkits. Data science toolkits के अंदर आपको BigML आ जाएगा, Rapid Miner आ जाएगा, you will Microsoft Loop आ जाएगा, Google Teachable आ जाएगा, इस तरीके के काफी सारे platforms है which is already ML enabled platforms. तो आपको वो सारे toolkits को go through करना पड़ेगा. Power BI, MS Excel, data exploration के लिए H2O और आपको basically शायद Rapid Miner भी हो और रोबोट. इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टोरी टेलिंग. बेसिकली मैं जितने भी टेक्निकल हमारी इंटरप्रिटेशन है जो एज एन मशीन लर्निंग मॉडल से हमने अचीव करी है, अगर आप स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली बिजनेस लैंग्वेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमने एक्चुअली बिजनेस के लिए क्या जनरेट करा, देन जितना भी आपकी एक्टिविटीज इट इज टोटली वेस्ट. वो अगर नहीं आप अचीव कर पा रहे हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग आपको, जैसे मैं इस प्रेजेंटेशन को एक बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल फिट इन योर ब्रेन बेसिकली. सो दैट इज व्हाट द स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट. सो यहाँ पर चीजें बोली आपको, AI चैटबॉट की स्किल सेट को मास्टर करना है एंड रिकमेंडेशन इंजन की मास्टर करना है सो दैट यू विल गेट इजिली एंटर इन टू दी जॉब प्रोफाइल. यहाँ पे जल्दी जल्दी ये चीजों को आपको करूंगा. बेसिकली डेटा साइंस टूल किट्स में आपको ये कवर अप करना है पाइथन के ऊपर. देन अगर डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टैबलू है, पावर बी आई, सैस, एडवांस एक्सेल, सीक्वल. आपको डेटाबेस के लिए सीक्वल पे भी कमांड करनी पड़ेगी आपको. देन डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर वही है बेसिकली डेटा एक्सप्लोरेशन ऑल अबाउट. यहाँ पर आपको स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स और टूल्स के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगी, मतलब मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके ऊपर बेसिकली. तो ये यहाँ पर डेटा एक्सप्लोरेशन यहाँ पे. एंड बेसिक मशीन लर्निंग बेसिकली आपको लीनियर रिग्रेशन लॉजिक, ये जितनी भी मशीन लर्निंग को अचीव करने के मॉडल्स, आपको उस पर काम करना पड़ेगा. एडवांस एक्सेल में आप अगर ये देखेंगे कि एडवांस एक्सेल, ये सारे एल्गोरिथम्स पे आपको मास्टर करनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू मेक अ सीरियस इंपैक्ट इन द मार्केट. और दिस इज हाउ. सो दीज ऑल आर रिकमेंडेशन इंजन, टाइम सीरीज, बेसिकली डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन. डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन बेसिकली यहाँ पर हम आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसे मास्क डिटेक्शन और अनमास्क डिटेक्शन, ये इस तरीके के जितने भी एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर, ये सब डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन का पार्ट है विच इज बीन वेरी मच ट्रेंडी. और कंपनीज अपने प्रोडक्ट एज इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है एंड टू एंड. सो दैट इज ऑल्सो वुड बी नीडेड, हाई रिकमेंडेड. एनएलपी बेसिकली जो मैंने चैटबॉट की आपसे बात करी है, AI चैटबॉट, which is the live application of NLP and NLU. जितने भी chatbots है वो natural language processing पे काम कर रहे हैं. ये अगर आप Google Assistant की assistant की बात करें, so it's the live application of NLP. अगर आप इस NLP को command कर लेते हैं तो इससे related जितने भी projects हैं, ये applications है, उस पर आपकी by default command हो जाएगी. Finally आपको Google Colab के अंदर सीखनी होगी and आपको एक forget about the accuracy level, आपको बेसिक एक मॉडल को आउटपुट को डिफाइन करना पड़ेगा.
एंड दिस इज हाउ आई थिंक. अगर एनालिटिक्स की बात करें तो यू हैव टू अपग्रेड टू पाइथन आर सेस एक्सेल और गेट डब्ल्यू एंड दिस थिंग. So I think this is what I'm done with the done with this presentation. I think ये बिस्तर ऑर्डिनेशन है जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अगर कोई एंड टू एंड क्वेरी